गाइस यहाँ पर अगर मैं अपने फ्री फायर एप्लीकेशन खोलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मेरा डाटा कनेक्शन ऑन है, तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड फेल्ड बता रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये ओपन तो हो जाएगा। यहाँ पर एक बार इसे मैं एयरप्लेन मोड में डालूंगा, इसके बाद इसको मैं दोबारा से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मेरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क कनेक्शन एरर की भी प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क फेल्ड भी बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये खुल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मोड में खेल नहीं पा रहा हूँ। सारा कुछ मैं आपको किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने फ्री फायर में अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सारा कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने फ्री फायर को पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने फ्री फायर को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ पर रीलोडिंग लेगा। इसके बाद यहाँ पर टैप टू बिगिन पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने टैप टू बिगिन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं अपने फ्री फायर में पहुँच चुका हूँ, फ्री फायर अकाउंट में। तो इसके बाद यहाँ पर कोई भी मोड में सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होगा। देख सकते हो मैं सेलेक्ट करने की बार बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये मोड सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। इसको स्टार्ट करने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। रीडिंग मोड बता रहे थे प्लीज़ इन्फॉर्म, इस तरह से लिख कर आ जाता है। यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन इरादा देख सकते हो शो कर रहा है, जबकि मेरा इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है। इसके अलावा यहाँ पर जब मैं बार बार मैं क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर लॉगिन को बोल देगा, इसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी फ्री फायर अकाउंट ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, यहाँ पर मैं अपने आईडी से बैक आ चुका हूँ। तो कुछ इस तरह से मैसेज आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले मैंने अपने मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखा था, तो आपको एक क्विक वीपीएन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है अगर आपका इंटरनेट सही है नहीं खेल पा रहा। तो यहाँ पर वीपीएन का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी जो ऑपरेटर का सिम आप यूज करते हो उसमें प्रॉब्लम बताता रहता है, जिसकी वजह से आपको ये ओपन नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने वीपीएन को यूज़ कर लिया, क्योंकि वीपीएन का नाम है, आप ध्यान से डालोगे प्ले स्टोर पर तो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टैप टू बिगिन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी मोड में सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ मोड सेलेक्टेड हो आएंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप किसी भी वीपीएन से कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर आपको 200-250 का पिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लगभग 200-250 ऐसा इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जब आप वीपीएन से खेलते हो, गेम प्ले करते हो तब। लेकिन इसका भी मैं सलूशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, आपकी वीपीएन के बिना भी आप खेल सकते हो अपने फ्री फायर गेम को। तो यहाँ पर देख सकते हो अब मैं कोई भी मोड सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा मोड सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस मोड को सेलेक्ट किया, यानी कि क्राफ्ट लैंड मैप्स को भी सेलेक्ट कर लिया, जबकि पहले ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट पर भी क्लिक करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब बात आती है मैं वीपीएन को ही हटा देता हूँ और यहाँ से मैं फ्री फायर को भी बैक कर दिया हूँ और यहाँ से मैं वीपीएन को बंद करूँगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अधिकतर जियो सिम में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने जियो का डाटा ऑफ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं दूसरे सिम से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे दूसरे सिम को सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करूँगा अपने फ्री फायर को, तो यहाँ पर ये अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा सिम सेलेक्ट कर लिया जो कि मेरा एयरटेल है, अब इससे मैं खेलूँगा, गेम प्ले करूँगा। तो यहाँ पर ना तो मेरा मुझे वीपीएन कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ना मुझे थोड़ा हाई पिंग भी देखने को मिलेगा, ना तो मुझे प्लीज़ रिट्राई का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि नेटवर्क कनेक्शन एरर बताता है। यहाँ पर जैसे गेम ओपन हो चुका है एकदम। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी मोड मैं सेलेक्ट करके ईजिली खेल सकता हूँ। तो याद रखिए, ये कभी कभी जो आप जिस भी ऑपरेटर का सिम यूज करें उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आपका फ्री फायर अकाउंट ऑटोमेटिक बैक हो जाता है, या फिर अगर आप उसी सिम से खेलना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वीपीएन का यूज करके खेलना पड़ेगा, जिस वीपीएन का नाम मैंने आपको बताया था क्विक वीपीएन। ये काफ़ी सही पड़ा, मैंने 2-3 वीपीएन यूज किए हैं, इससे ये गेम प्ले हो जा रहा था। तो आप इसका यूज कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क कनेक्शन इधर प्रॉब्लम आ रही है फ्री फायर गेम में, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।